ये आज की रेसिपी हमारी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, अपने किचन के साथ हाजिर है। किचन विद हुसैन के जी मेरे चैनल का नाम है और यूट्यूब पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि इसलिए कि ये जो आने वाली ऐसा रेसिपी आपके तक आसानी से पहुँच जाए। इसके अंदर मैंने इसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला था और मैंने वो गोश्त में डाल दिया। ये अदरक का पेस्ट इसके अंदर मैं डाल दूँगी। हल्का सफाई करना, इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना मुझे, क्या आगे लेना मैंने आप इसमें क्या क्या चीज़ें डाल दूँगी। आप लोगों ने ऐसे ही करना है, क्या क्या चीज़ें डालूँगी ना वो देखना आपने जो है। इसका हल्का सफाई करते थे ना, इसका टेस्ट अच्छा बन जाता है। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के पहले डाला रखा हुआ था ना पीस के अंदर, अभी इतना मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा, मुझे प्रेशर लगाना ना, इसलिए ये जो पकाया प्याज है ना जो बचे हुए ये मैं डाल दूंगा इसके अंदर। टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं, इसमें से मैंने मिर्च नहीं डालनी, बाकी सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो सिर्फ इसे जब सिर्फ जो मिर्च होती है पिसा डालेंगे वो बड़ा बाद में डालेंगे। ये देखिए आप, ये मैं हल्दी पाउडर डाल दी आधा स्पून, पिसा पाउडर धनिया आधा स्पून, ये जीरा डाल दिया, बिल्कुल लाइट साबुन। हाँ जी, इसमें इतना ज़्यादा मसाले नहीं डाल दिए। काली मिर्च में बाद में डालूंगी, इसके अंदर भुट्टे भुट्टे भर देंगे अच्छा नहीं लगेगा। चकोतरे गोश्त तैयार हो गए हैं, ये आज की रेसिपी हमारी तैयार है, रेडी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सब लोग बड़े शौक से खाते हैं।